ये भजन निगरी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके रिकॉर्डिंग करता अनुज टेलीफिल्म के माध्यम से मोनिस का रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिला भरतपुर से, जिसके हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं मेरे बड़े भैया श्री रामवीर जी नसवारा डीग भरतपुर से, पैर पर संगति कर रहे हैं भैया कौशल जी भरतपुर से, झींका पर झनकार दे रहे हैं मेरे बड़े भैया कृष्णा जी नसवारा डीग भरतपुर से। मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर नगला संजय दाऊ जी मथुरा से, सुनिएगा। आइए, आप जैसे विद्वान लिख रहे हैं और कैसे कि एक साहब घर से चले और ये नजर एक अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी तो दूजे हाथ में बंधी खड़ी। सूरदास जी से एक व्यक्ति ने पूछा, कहा एक बात पूछूं सूर जी, क्या ये बता दी जाएगी, अरे तुम आंखों से अंधे हो, घड़ी किस काम तुम्हारे आएगी। तो देखिए, सूरदास जी ने उस व्यक्ति को बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, कहा कैसे कि तू भी खुदा का बंदा है और ये मैं भी खुदा का बंदा हूं, अरे तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं, चल इस घड़ी की बात छोड़ और ये तो हटा दी जाएगी, और तू उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। आज सूरदास जी उस व्यक्ति को समझा रहे हैं गुरुदेव कैसे कहा, और ये कंचन जैसी ही काया तेरे और काम नावेगी। कहा हे मूर्ख इंसान, तू इस देह पर अभिमान कर रहा है लेकिन सुन, ये कंचन जैसी ही काया तेरे और काम नावेगी, ओ बाप रे ये माया संग ना Yeah.
बंद जाए भी अकेला क्यों। अरे दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। और तू कहता है ना ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये भाई मेरा है, लेकिन सुन। अरे भाई बंद और नारी तेरी क्या, अरे भाई बंद और नारी तेरी ये काम ना आवेगी, भाई बंद और नारी तेरी आए है काम ना आवेगी। ओ बाबू रे ये माया संग न जावेगी, ओ बाबू रे ये माया संग न जावेगी, माया संग न जावेगी। हाँ साहब, प्रसंग मेरा वही जिसे कि मैं पहले पाठ में छोड़ करके गई थी। कालू भंगी का आदेश मान करके राजा हरिश्चंद्र वहीं पहुंच गए जहां की रानी तारा सोई हुई है। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा, रानी तारा ने अपने समीप राजा हरिश्चंद्र को देखा, रानी तारा ने पूछा महाराज आज आपको हमारी याद कैसे आई। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रानी तारा ने पूछा महाराज मेरा कसूर क्या है, मैंने अपराध क्या किया है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी मैंने ये सुना है कि तू डाहिन है, तूने बच्चों की हत्या की है। जब इतने वचनों को रानी तारा ने सुना, रानी तारा राजा हरिश्चंद्र से कह रही है कहा कि स्वामी मुझसे ज्यादा दुखी न कोई, मुझसे ज्यादा दुखी न कोई, मैं स्वामी सत्य बताती हूँ। अरे बालक ना हन्यो मैंने कोई, मैं कसम आपकी कि हिलकी भर के रो गई रानी, हिलकी भर के रो गई रानी, जाने टप टप आंसू डारे। अरे राजा जन कैसे भागे हमारे। आहा सजनों, राजा हरिश्चंद्र कह रहा रानी मैं तुझे मारूंगा बस, क्यों, क्योंकि मैं आदेश में बंधा हुआ हूँ। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हो भैया कैसे, हेरले व्याकुल बिकले हेरले व्याकुल बिकले शोक में है रही और जाने गया मैं तेरी, और कैसे प्राण कैसे प्राण बकस दूं तेरे सो मजबूरी है मेरी, कैसे प्राण और राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी तो कुमार कले
बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करही सो तस फल चाखा। आप जैसे विद्वानों ने कर्म के बारे में चार पंक्तियां लिखी और वो कैसे, बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। एक बाप के कैसे, एक भाई तो करे फैसला, एक भाई तो करे फैसला, एक करे चोरी, पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी। एक धागा गुदड़ी में लगता, एक धागा गुदड़ी में लगता, एक पतंग की डोरी, एक ईट तो लगी किले में, एक मूत्र की मोरी, एक ईट तो एक पत्थर शिव जीवन पूजता, अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक पछुरा पहना रे, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हैं, रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य, क्यों, क्योंकि मैं आदेश में बंधा हुआ हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कालू का आदेश मिला है। कहा रानी कालू का आदेश मिला है और उसने यहां पठाया हूं। अरे खूनी तुमको बता दिया इसलिए मारने आया हूँ। सो हरी कहे नानव को जाके, हरी कहे नानव को जाके, जब नैनन चले पनारे, अरे रानी जन कैसे भागे। आहा सजनों, आज राजा हरिश्चंद्र कह रहा रानी देख तुझे तो डाहिन बता दिया, लेकिन मेरी भी सुन ले, मेरे साथ में क्या हो रहा है भैया, कैसे क्या कहा। कहा रानी अरे एरे जाने और किस्मत कैसी खोटी। कैसी खोटी और जाने कब से मिली ना है रोटी, और जाने कब से मिली ना रोटी, और राजा ने कहा अरे कापे गात पसीना आवे,
ना आवे और जाकिए एक और जाकिए एक और जाकिए एक पेस ना खावे और जाकी रानी तारा गहरी महाराज आप मुझे मारने के लिए आए हो। आप उस समय को भूल गए जब आपने हमारा साथ देने का वायदा किया था, जब आपने मेरे साथ सात भावर ली थी। लेकिन सुनिएगा रानी तारा कह रही है क्या, क्या गैरों से गिला क्या करें। कहा महाराज गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें और कहा गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए। मगर ये चेहरे बदल गए। गैरों से गिला क्या करें और कहा महाराज आप कह रहे हो कि मैं बदल गई हूं, मैंने बच्चों की हत्या की है। लेकिन सुनिए नजर के सारे बदल गए। गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए। अपने बदल गए। आहा सजनों, जैसे ही रानी तारा ने सुना कि महाराज ने कई दिन से भोजन नहीं किया, इतना सुनते ही रानी तारा की हालत कैसी है, कहा अरे पछार रानी। कहा अरे पछार रानी और ते खाई गई अरे पछा। क्यों और कहा अरे कर कर ख्याल मढ़ी आए कर कर ही ख्याल मढ़ी पैरों कर कर ही ख्याल। क्यों
रानी तारा कह रही है क्या हाय बादना हाय बादना और हिलती सो भर भर तारा जमाने नहीं आते आए जो भी क्यों जो बीत गए दिल जो भी जमाने नहीं आते और आते नए लोग क्या आते रखिए क्यों पड़ोसी ए पड़ोसी भी यहाँ आग पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते आए और कहा रहा
पंछी पंछी बियारात पंछी बियारात बिताने सजनों। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे, रानी कहा सुनिए संसार है क्या, ये हरस हवस की मन अनमोल रतन बिक जाते हैं, और कहा कागज के बनाए नोटों पे ही मान बने बिक जाते हैं, ये हरस हवस की मंडी है अनमोल रतन बिक जाते हैं, और कहा देख इस संसार में क्या क्या बिकता है, क्या मुगलों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, जाते हैं और बिकती हैं, क्या बिकती हैं रातें दुल्हन की मुर देके कफन बिक जाते हैं, ये हरस हवस की मंडी है अनमोल रतन बिक जाते हैं, और कहा जिसे हम और आप भगवान कहते हैं, देखिए वो हमारे पेट की खातिर करता क्या है आपके लिए, जो अजल अमर है पन में स्वर जयपुर के उन बाजारों में, भगवान बने बिक जाते हैं, ये हरस हवस की मंडी है अनमोल रतन बिक जाते हैं, का
रानी तारा से कह रहे हैं, सुनिएगा उड़ान कैसे। सोजी हरिया ऐसे कहे वेन सुने ओ रानी तारा वेन सुन ए वेन सुन ओ रानी साथ। एक भक्त भगवान के दरबार में गया और जाकर के कह रहा है, क्या वो मोई रघुवर की सुध आई, आज मोई रघुवर कर्म के लेख भूख ने तेज उठाई।